नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। मारुति सुजुकी को अपनी हाईएस्ट सेलिंग बजट कार्स की बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हालांकि ये काफ़ी दुख की बात है कि मारुति सुजुकी अपनी कार्स को क्रैश टेस्ट के लिए नहीं भेजना चाहती है, और जी एन कैप खुद से खर्चा कर अगर किसी कार का क्रैश टेस्ट करता है वो जी एन कैप में कचड़ा करके आती है। कुछ साल पहले टेस्ट करी गई एस्प्रेसो एक एयरबैग के साथ जीरो स्टार्स ला पाई थी, और कुछ सिमिलर हाल सभी हार्ड टैक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कार्स का रहा है, जिसमें बेलेनो भी शामिल है। हालांकि न्यूली लॉन्च बेलेनो की बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ क्लेम जरूर आए थे, पर सारे क्लेम्स कुछ कार रिव्यूअर्स की तरफ से थे जो सिर्फ बोनट दबाकर बेलेनो को 5-स्टार कार बता रहे थे। और मारुति की तरफ से गाड़ी को टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया, और जब तक गाड़ी का टेस्ट नहीं हो जाता इसके बिल्ड क्वालिटी को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। नई बलेनो का तो पता नहीं, पर पुरानी बलेनो की बिल्ड क्वालिटी का सच इसके हुए कई सारे एक्सीडेंट्स दिखाते हुए आए हैं। एक ऐसा ही एक्सीडेंट मिस्टर सोमेश ने मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया था, जो इस कार की बिल्ड क्वालिटी का सच एक बार फिर दिखाता है। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सीडेंट की डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट किया गया है, जहां 4 लोग बलेनो में एक वेडिंग शूट से वापस आ रहे थे, और रास्ते में बलेनो का एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप से एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में बलेनो में बैठे 4 लोग की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। मे द सोल रेस्ट इन पीस। और इसका रीजन बलेनो की हालत इन पिक्चर्स में साफ दिखा रही है। सामने से कार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसमें छत भी पूरी तरह डैमेज्ड है, और कार की ऐसी हालत होने के बाद किसी भी पैसेंजर का यहाँ सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है, भले ही गाड़ी में 6 एयरबैग्स भी क्यों ना दे दिए जाएं। पीछे आप बोलेरो पिकअप को भी पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो कोलिजन के बाद सड़क से नीचे उतर गई थी, पर गाड़ी में मेजर डैमेजेस नहीं दिखती हैं और एयरबैग्स ना होने के बावजूद भी यहाँ ड्राइवर सेफ थे। तो गाड़ी में बिल्ड क्वालिटी नाम की चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, ये बात इस एक्सीडेंट से साफ समझ आती है। नई बलेनो में भी सेफ्टी फीचर्स ज़रूर दिए गए हैं, पर वो बेस मॉडल से स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, बिल्ड क्वालिटी या प्लेटफॉर्म में सुधार के कोई डिटेल्स नहीं है। तो एक अनसेफ कार खरीद कर माइलेज और रीसेल के चलते अगर आप अपनी फैमिली और अपनी लाइफ रिस्क में डालने के लिए तैयार हैं, तो आप कोई भी कार ले सकते हैं, पर अगर आप लाइफ को वैल्यू करते हैं तो एक सेफ कार लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ लोग समझ सकें कि सेफ्टी फीचर के साथ बिल्ड क्वालिटी भी उतने ही मायने रखती है। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।